हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको अपने एक अमेजिंग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक चैलेंजिंग ट्रैक था मेरे लिए जो मैंने 2015 में कंप्लीट किया था। तो इस जगह का नाम था सियाचिन ग्लेशियर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर बिलो -30 सेल्सियस होता है एंड डार्क विंटर्स मंथ में -60 सेल्सियस होता है। यहाँ पे हाइपोथर्मिया की बीमारी बहुत कॉमन है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एल्टीट्यूड है वो 23,000 फीट है अबव द सी लेवल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सियाचिन काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पे एवलांचेस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। कभी कभी जो है डेली एवलांचेस आते हैं और कभी कभी कुछ दिनों में। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू स्टे अलाइव हियर। दिस इज द रीजन ऑफ सियाचिन इज द काराकोरम रेंजेस। सियाचिन का ईस्ट और साउथ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में है, वेस्ट पीओके में एंड नॉर्थ है चाइना में, क्योंकि आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। ये दुनिया की एक हाईएस्ट बैटलफील्ड है। आपको पता ही होगा इंडो पाक वॉर 1984 में हुआ था, तभी से यहाँ दोनों कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री दोनों को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि पूरे 12 महीने यहीं रहती है और यहीं से पूरे देश की निगरानी करती है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 15 सितंबर 2015। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो पूरा ट्रैक है ये कम्प्लीटली फ्री है। ये ट्रैकिंग स्पॉन्सर करती है आर्मी, इसमें आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं है अपना, ये सारा एक्सपेंस पे करती है आर्मी। आपको बस दिल्ली टू लेह खुद से पहुंचना होता है, उसके बाद एकोमोडेशन, ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग पेड बाय आर्मी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आगे तक, मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रैक आप कैसे कर सकते हैं पूरा का पूरा फ्री में। इस ट्रैक की ऑलमोस्ट कॉस्ट है 5 लाख रुपीस पर पर्सन। लेह एयरपोर्ट पर उतरते ही होटल्स की गाड़ी ने हमें पिक किया और वो अपने साथ हमें होटल लेके आई। Day 1 हमने प्रॉपर रेस्ट किया और अपनी बॉडी को एक्मटलाइज किया यहाँ के अकॉर्डिंग। और Day 2 हमने ले मार्केट एक्सप्लोर किया। हमने यहाँ का लोकल फूड ट्राई किया, हम यहाँ से मोनेस्ट्रीज गए, हमने मोनेस्ट्री घूमी और लद्दाख का फेमस शांति स्तूप हम वहाँ पर भी गए, जो कि लेह से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। Day 3 हम लोग गए जंस्कार लेक। जंस्कार लेक अपने चादर ट्रैक के लिए भी बहुत फेमस है, जो कि जनवरी में होता है। पहले 7 दिन लेह में हमारा डेली मेडिकल होता था और हमको ये मेडिकल क्लियर करना पड़ता था। अगर आपका मेडिकल क्लियर है तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ हमारे 4 मेंबर्स थे
जो ये मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए और यहाँ से इनको वापस दिल्ली और जिस प्लेस से आए थे इनको वहाँ वापस जाना पड़ा। और ये बहुत इमोशनल टाइम होता है क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। अब यहाँ से हमको बेस कैंप टू क्लियर निकलना था जिसकी हाइट 15,000 फीट है अबव द सी लेवल। वहाँ पे हमको अगले 5 डेज रुकना था। तो पहले हमने 7 दिन ले में रहे और नेक्स्ट 5 डेज अब हम बेस कैंप पे रहेंगे। तो अब हमारा राउंड 1 क्लियर हो चुका है। अब हम राउंड 2 के लिए जा रहे हैं बेस कैंप जो कि ले से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का रास्ता बहुत ही डेंजर है। ये मैं आ गया और यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ। और जैसे कि रास्ते में खाडूंगला पड़ता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यहाँ पे भी हम रुके, हमने कुछ यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करवाई। खाडूंगला वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। अगर आप ले आए हो और आप खाडूंगला पास नहीं गए तो आपका ले आने का कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ ज़रूर आए। खाडूंगला क्रॉस करते ही हम बेस कैंप की ओर बढ़े, पर उस दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, काफ़ी बारिश हो रही थी मॉर्निंग से ही, इसलिए रास्ते में हमारी जो गाड़ी थी वो हो गई स्टक। यूँ तो हमने काफ़ी कोशिश करी कि हम अपनी गाड़ी को खुद ही निकाल लें, बट वो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। हमारे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी काफ़ी ट्राई किया बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। एट द एंड हम लोग को फिर अपना इंडियन आर्मी की हेल्प लेनी पड़ी। और फिर 3-4 बार हमने ट्राई किया और जितना भी हमसे हो सकता था हमने वो सब किया, पत्थर डाले कि थोड़ा हम पानी को ब्लॉक कर ले या फिर उसको डाइवर्ट कर दें। यहाँ का वेदर कास्ट बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ कब बारिश आ जाए कब मौसम ख़राब हो जाए कोई आइडिया नहीं है। सो एट द एंड इंडियन आर्मी ने हमारी जो गाड़ियाँ स्टक हो चुकी थी उनको बाहर निकाल दिया। जैसे ही गाड़ियाँ बाहर निकल गई सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हम ऑलरेडी यहाँ 4 घंटे से वेट कर रहे थे। यहाँ से निकलते ही काफ़ी रात हो गई थी हमें बेस कैंप पहुँचते पहुँचते, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, बट जैसे तैसे हम रात में 10 बजे बेस कैंप पहुँच गए। अब काफ़ी लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि कैसे हम ये ट्रैक फ्री में कर सकते हैं, तो गाइस डोंट वरी, मैं आपको अपने नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊंगा कि आप ये ट्रैक कैसे फ्री में कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।